हे गाइस, वेलकम टू स्टडी स्किल सक्सेस। देन गाइस, नीट 2021 के रिजल्ट्स को लेकर स्टूडेंट्स के मन में काफ़ी सारे डाउट्स हैं एंड कुछ बोल रहे हैं कि सिलेबस रेड्यूस होगा, लेकिन कुछ बोल रहे हैं कि सिलेबस रेड्यूस नहीं होगा। जो सिलेबस नीट 2020 में रहा था, उसी सिलेबस के बेसिस पे नीट 2021 को लिया जाएगा। इसी को लेकर एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें मनीष सिसोदिया और रमेश पोखरियाल निशंक जी भी शामिल थे। उनके द्वारा सिलेबस रिड्यूस को लेकर कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं, उन्हीं फैसलों पर बात करेंगे आगे की इस वीडियो में। तो वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। एंड गाइज, वीडियो शुरू करने से पहले एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा, और इन्फॉर्मेशन है अनअकैडमी चैंपियंस लीग के बारे में। तो गाइज, अनअकैडमी एवरी संडे एक चैंपियन लीग ऑर्गेनाइज करवाती है, जिसमें पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स पर आपके जो टेस्ट हैं वो लिए जाते हैं। लेकिन जो मंथ का लास्ट संडे होता है, उसका एक ग्रैंड फिनाले होता है, यानी कि कंप्लीट बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का टेस्ट लिया जाता है। इन टेस्ट में अगर आप बेटर स्कोर करके बेटर रैंक हासिल करते हैं, तो आपको अनअकैडमी के फ्री सब्सक्रिप्शन के साथ साथ कुछ एग्जाइटिंग प्राइजेस भी दिए जाते हैं अमेजन वाउचर के रूप में। ठीक है, प्राइजेस की बात की जाए तो अगर फर्स्ट रैंक हासिल करते हैं तो अनअकैडमी का 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन फ्री एंड 50,000 का आपको अमेजोन वाउचर मिलता है। अगर आप सेकंड रैंक हासिल करते हैं तो 30,000 का वाउचर एंड 1 साल का आपका सब्सक्रिप्शन फ्री मिलता है। इसी प्रकार से जिस प्रकार आपकी रैंक बढ़ती जाती है, उस प्रकार थोड़े प्राइजेस भी कम होते जाते हैं। और ये जो ग्रैंड फिनाले है, वो अक्टूबर के लास्ट संडे यानी कि 25 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे होने वाला है, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है। किसी भी प्रकार का कोई भी पेमेंट इसके लिए आपको नहीं करना है। इनरोल करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से जाके अभी से आप इसको इनरोल कर सकते हैं। उसके बाद जो पिछले संडे यानी कि 18 अक्टूबर को जो संडे था, उसमें भी ये टेस्ट ऑर्गेनाइज करवाया गया था। उसमें जो विनर रहे थे, 107 विनर्स की लिस्ट मैं आपको दे रहा हूँ, ये जो स्टूडेंट्स हैं वो विनर रहे थे, जिनमें से फर्स्ट रैंक वाले को 50,000, सेकेंड को 30,000, थर्ड को 30,000 और फोर्थ टू 10 को 25,000। उसके बाद 1 से 25 रैंक जिन्होंने हासिल की थी उनको 10,000 का वाउचर, 26 से 50 जिन्होंने हासिल की थी उनको 5,000, और 51 से 107 रैंक जिन्होंने हासिल की थी उनको 3,000 का वाउचर जो है वो अनअकैडमी द्वारा दिया गया था अमेजोन वाउचर के रूप में। तो यार, एक्साइटिंग है और बेटर भी है, क्योंकि आपकी नॉलेज के साथ साथ आपको एक्साइटिंग प्राइजेस भी मिल रहे हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अभी डिस्क्रिप्शन में जाएं और इसके लिंक पर क्लिक करके अभी इसको इनरोल करें। ठीक है गाइज, अब बात करते हैं अपने सिलेबस को लेकर। सो गाइज, एक मीटिंग हुई नीट एंड जेईई मेन परीक्षा के अगले साल घटे सिलेबस के साथ होनी चाहिए, ऐसा जो अपना पक्ष रखा है वो रखा है मनीष सिसोदिया जी ने। पूरी इन्फॉर्मेशन जानते हैं कि पूरा उन्होंने क्या कहा था, क्या मीटिंग में फैसले लिए गए हैं। तो दिल्ली के जो वाइस चीफ मिनिस्टर हैं, उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया जी, उन्होंने बृहस्पति को सुझाव दिया, बृहस्पतिवार को, कि कोविड-19 महामारी के कारण नियमित कक्षाओं में होने वाली पढ़ाई के नुकसान को देखते हुए सभी कक्षाओं के जो पाठ्यक्रम हैं उनमें 50% की कटौती की जानी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि अगले वर्ष जो परीक्षाएं हो रही है नीट और जेई, इन जैसी परीक्षाएं भी गट्टे पाठ्यक्रम के आधार पर आयोजित की जानी चाहिए। एनसीईआरटी की 57वीं सामान्य परिषद बैठक के दौरान सिसोदिया ने यह सुझाव दिए। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी ने की थी, जिसमें राज्यों के शिक्षा मंत्री भी शामिल रहे थे। सिसोदिया जी ने बोला, कोरोना संकट के कारण वर्तमान शैक्षणिक स्तर बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। लगातार स्कूलों में कक्षाएं आयोजित नहीं हो पाने से हुए नुकसान के मद्देनजर सभी कक्षाओं का पाठ्यक्रम 50% तक कम किया जाना चाहिए। अगले साल होने वाली नीट और जेईई जैसी प्रवेश परीक्षाओं का आयोजन भी वर्तमान स्तर में कटौती किए गए पाठ्यक्रम के आधार पर होनी चाहिए। उन्होंने यह भी सुझाव दिया है कि सीबीएसई की 12वीं कक्षा की परीक्षाएं अगले वर्ष मई महीने में से पहले आयोजित नहीं की जानी चाहिए, ताकि छात्रों को तैयारी के लिए कुछ अतिरिक्त समय मिल सके। आमतौर पर यह परीक्षाएं फरवरी और मार्च के महीने में होती है। तो इस महीने की शुरुआत में दिल्ली सरकार ने पत्र लिखकर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से पाठ्यक्रम में कटौती किए जाने और परीक्षाएं देरी से आयोजित किए जाने का अनुरोध जो है वो किया है। तो गाइस, मनीष सिसोदिया ने अपना पक्ष रखा है कि सबसे पहले तो जो सीबीएसई है, जो कि एनसीईआरटी है, उसमें 50% का कटौती की जानी चाहिए, यानी कि 50% सिलेबस पर ही 10th और 12th की आपके जो एग्जामिनेशंस हैं वो करवाए जाने चाहिए। उसके बाद जो अगले साल जेईई एंड नीट जैसी एग्जाम्स होने वाली है, उन पर भी जो सिलेबस है उनमें कटौती की जानी चाहिए। अगर सिलेबस में कटौती की जाती है तो 30% जो कटौती है वो की जाएगी, ऐसा उन्होंने पत्र लिखा है। और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई से कटौती किए जाने और परीक्षा देरी से आयोजित किए जाने का अनुरोध किया है। एंड एक बात यहां पर और निकल कर आती है कि 12वीं परीक्षा अगर मई के महीने में आयोजित की जाती है तो आपके नीट का जो एग्जाम है उस पर भी इसका इफेक्ट पड़ सकता है, क्योंकि मई में एग्जाम
बोर्ड का एंड नीट का एक साथ कराना इम्पॉसिबल है, क्योंकि बोर्ड के स्टूडेंट्स भी नीट का एग्जामिनेशन देते हैं। सो बारहवीं का और नीट का एग्जामिनेशन एक ही मंथ में करवाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि नीट का एग्जाम मई में ना करके अप्रैल में कराया जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन ऐसा पॉसिबल है कि नीट का एग्जाम मई में ना करवा के जून में ऑर्गेनाइज करवाया जाए। तो डेट्स वगैरह को लेकर कोई भी किसी भी प्रकार का अभी तक जो फाइनल डिसीजन है वो नहीं लिया गया है, ना ही अभी तक सिलेबस को लेकर कोई भी इन्फॉर्मेशन दी गई है। ठीक है, मनीष सिसोदिया जी ने बोला है कि सिलेबस को लेकर इसमें कुछ कटौती की जाए, जो जेई और नीट है उसको लेकर भी, एंड जो 10th 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन है उसको लेकर भी। बाकी अभी तक जो केंद्रीय मंत्री शिक्षा मंत्री हैं डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, उनके तरफ से कोई भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। लेकिन जल्द ही आपका नीट का जो इन्फॉर्मेशन ब्रोशर है वो रिलीज़ कर दिया जाएगा, और जैसे ही इन्फॉर्मेशन ब्रोशर रिलीज हो जाए तो होता है तो उसमें एग्जाम डेट एंड सिलेबस का जो भी आपका डाउट रहता है वो भी क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा काउंसलिंग से रिलेटेड डिटेल प्रोसेस की वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है, तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। बाकी किसी भी प्रकार का डाउट है या फिर स्टडी मटेरियल को लेकर कोई भी आपको स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इसके अलावा स्टडी स्किल सक्सेस अगर आप चैनल टेलीग्राम पर सर्च करेंगे तो भी आपको चैनल मिल जाएगा। बाकी यार ये थी वीडियो, उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। देन गाइज वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा यार, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आगे भी चैनल पर आप सभी को मिल सके। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड हैव अ नाइस डे।